सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ यार, हमारे डिपार्टमेंट की ना आज डिनर पार्टी है, तो वहाँ पे जाए। मैंने सोचा कि आपको भी साथ लेके चलूँ, दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे होता है सीन। मेरा दोस्त का वेट कर रहा हूँ, आते तो फिर निकलते, लेट हो गया वैसे। हाँ यार, ये जो कोट है ना, ये मैंने सोचा था सर्दियों में पहनूंगा बांग्लादेश में, लेकिन पूरी सर्दियां गुजर गई, कोट पहनने का मौका ही नहीं मिला। मैंने सोचा आज पहन लेता हूँ। यहाँ पे ना लास्ट के 1 वीक में पूरा वेदर चेंज हो गया है। पिछले एक हफ्ता पहले इतना ठंड थी, अभी एक हफ्ते के बाद, मतलब लास्ट वीक बहुत ज़्यादा ठंड थी, इस वीक मतलब कोई फॉग वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं, इतनी मतलब मौसम गर्म हो गया ना। यहाँ पे यार डाउन टाउन, यहाँ पे हाईवे पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लेके आए, ले आओ फिर आज खाओ पियाओ, ऐश करा दो भाई। भाई लड़की ने क्या फोटो ली है इसने, जबरदस्त। और ये दो लेते वसीम, अच्छा लेता ये कमीना कुछ भी नहीं लेता, लेकिन ओ भाई मस्त फोटो। बैठ वसीम, मैं तेरा लेता हूँ। यार बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, और एक तो ओपन स्पेस है ना यहाँ पे, आउटडोर रेस्टोरेंट है, एक तो ठंडा भी है मस्त, गर्म भी है, और मस्त मौसम हो रहा है। फोटोज वगैरह लिए आज मस्त, फिर बस खाना आए, खाना खाएंगे फिर चलेंगे ना घर, फिर घर जाएंगे, चाय वाय पीने चलेंगे भाई। ये भाई लुच्ची, लुच्ची नहीं, नान, ये नान नहीं होता, ये लुच्ची को हम वो बोलते हैं, पूड़ी है। हाँ ये इसमें प्याज में बड़ा मजा आता है, बहुत टेस्टी है भाई। ओ मांगो टूरू लाभ, मजा आ गया। कितना ब्लॉग बनाया? मैंने नहीं कुछ किया यार, मैं ऐसे ही एंडिंग ऐसे ही मेमोरीज के लिए रख रहा हूँ कि दीप्ति के घर हमने दावत खाई लास्ट वाली, और कुछ भी नहीं। खाया रुलिया ने ये सारे पड़ोसियों के वो तोड़ दिए। क्या ये इसको क्या बोलते हैं रुलिया? क्या ये क्या था? बोरोई। इंडिया में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बोगोरी एसएमएस में। वो भी खा लिए, अब ये ले खीर आ रही है, उसके बाद चाय आएगी, फिर हम चले जाएंगे घर। वो आ गई दीप्ति, काला बना मिला था ना, लिख रहा था सर जाओ, सर को नहीं जाओ, कर रहे यार। जब आपको MBBS में स्कोप ना दिख रहा हो बोल, अब बोल, अब मैं बना रहा हूँ। मेरा दोस्त चला जा रहा है, इसीलिए स्पेशल मेरा दोस्त जा रहा है, कर रहा हूँ मेरा दोस्त जा रहा है, अब पैसे कमाने का कोई और रास्ता ढूंढ रहा हूँ। MBBS से कुछ होने नहीं वाला। अल्लाह जबल बेबी, लास्ट वॉक टुगेदर, अब हम डिटैच होने वाले हैं, और अब पता नहीं हम दोबारा से मिल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ये थे गुजैन भाई, और ये है तुम्हारा अहमद भाई। तो अब हम, मैं अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, अब हम वापस घर जाने वाले। तो यही चीज़ है कि मैंने सोचा ये लास्ट का मोमेंट हम कैप्चर करें, मैं और गुजैन भाई। इवन कि आज मेरा प्लान नहीं था वॉक पे आने का, मैंने सोचा था आज नहीं आ पाऊँगा, है ना जी भाई, ऐसा ही था। आप कुछ बोलो, इन्होंने कहा नहीं अहमद भाई, हमने बोला था हम 30 को आएंगे ही आएंगे। मैंने कहा चल ठीक है, आते हैं, आखिरी की वॉक है, करके चलते हैं। तो हम आए, और यही चीज है यार, अब ये दिन याद आएंगे। गुजैन भाई ये गलियां याद आएंगी आपको? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं आएंगे, और क्या याद आएगा आपको? आज मैंने जो जूता रख रहा हमने था जूता किसका? गुजैन भाई का सेकंड जूता है ये। और ये हमारी नशे की दुकान, नशा मुक्त केंद्र। कैसी जगह है कि यहाँ से हमारा वापस जाने का पॉइंट है, और यहाँ पे हम आते थे, हम बोलते थे यार यहाँ से हमें नशा चढ़ेगा, ये नशा है, नशे की जगह है, क्योंकि यहाँ पे ग्लू वगैरह यूज करते हैं ना ये कारपेंटर। वो बात ये है, बात यह है कि पिछले 5 महीनों से हम एवरीडे यहाँ पे आ रहे, अराउंड 7 किलोमीटर की वॉक करते थे हम पिछले 5 महीनों में 1 घंटे की शाम को। सीधी सी बात है, अब हम वापस घर जाने वाले हैं, गुजैन भाई अपने घर, मैं अपने घर। यहाँ से हम जा रहे थे, मैंने सोचा ये वाली चीज़ भी आपको बता दूँ, नशे वाली जगह, क्योंकि यहाँ से हम रोज़ आते थे, हम कहते हो नशे की जगह आई, नशे की जगह आई, स्मेल करके फिर चलते थे। आप जाए, वैसे हम नशे वशे करते नहीं है भाई,
बता दे नहीं करते कहाँ करते नशे वशे नहीं करते तो क्यों सार्कास्टिकली बोल रहा है चल आपके लिए बोला मैं सार्कास्टिकली क्यों मैं करता हूँ तो बस यही चीज है यहाँ से हम वापस करते थे इस पॉइंट से और ये रास्ते याद करेंगे कुछ कैमरा चार चार महीने बाद उठाओ तो जंग लग गया बोला ही नहीं जा रहा मेरे को फ्लैश उधर से ऑन हो रहा है और मुंह मेरा बंद हो जा रहा है ये चीज है लेकिन ये वाले जो मोमेंट्स है ना ये हमें कैप्चर करने थे तो उसके लिए हमने सोचा चलो हम थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं अब पता नहीं है ज़िंदगी में कभी मिल पाएंगे कि नहीं पाएंगे कोशिश तो है अभी तो कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं हम ट्रिप मारेंगे जाके घर लेकिन पॉसिबिलिटीज़ पता नहीं है अभी क्या नहीं क्या लगता है पॉसिबल है कुछ मुश्किल है पर देखते भाई अगर डेस्टिनी में मिलना हुआ तो मिलेंगे शर्मा जो लगता है ये हमारे जूनियर्स गए हमें देख के छुप गए शर्मा गई मैं हाय हाय शर्मा गई मैं हाय चलो भैया बाय बाय बांग्लादेश को बाय बाय करेंगे जब मैं जाऊंगा तब अलग से वीडियो आएगी ये सब सबकी मैं मोमेंट्स कैप्चर कर रहा हूँ ये सारे एक साथ आएंगे बाय बाय पान खाई के लाली पाप लागेलू कमरिया आय हाय रात टाइम में आए हो तो पान खाओ और मजा लाओ एर के बोले सी चाय खिलाओ चार चाय आशे नहीं और चले से की चाय छड़े सब जिनिस चले से सूरज भाई इच्छा से के व्लॉग बना सूरज भाई इच्छा से आज के व्लॉग बना ना व्लॉग तो ही बनाएगा सूरज भाई बंदू को तो दूर दूर से चपाई नवाबगंज आमी आज के सूरज भाई कार ने आज सी हम चपाई में आए हम किसी दोस्त के घर में खाना खाने आए थे आज लेकिन सूरज भाई को खाना खाने के बाद नहीं भाई मैं चपाई में घूमना चाहता हूँ चपाई में भाई को हमने घुमाया ब्रिज दिखाया चपाई नवाबगंज का यहाँ पे हमारा एक सर भी है हाँ बोलो ब्रिज एक मन की देखे सो बालो छिलो ब्रिज की मजा पाए सो उन्हें कपल गुरु देख सो गुरु शाबाश ब्रिज के नीचे एग्रीकल्चर आज हम आए थे एक अपने बांग्लादेशी दोस्त की शादी में भूल भुलैया में फंस गए सबसे पहले राजशाही से चले एक जगह पे गए उसने बोला था पबना में मेरा घर है पबना में आए तो वहाँ से पता चला उसका घर पबना में नहीं है कहाँ पे है सिराजगंज में है सिराजगंज में आए तो पता चला उसका घर सिराजगंज में नहीं है उसका घर है हननपुर में हननपुर आए तो वहाँ से पता चला मननपुर में आए तो वहाँ से पता चला उसका घर पता कहाँ पे है ये हंडिया में हरनिया से याद किया हंडिया में हंडिया में पहुंचे यहाँ से पता चला कि उसके घर पता कहाँ पे कि 5 मिनट दूर है अब वो भी फोन नहीं उठा रही है बेचारी उसकी शादी हो रही है अब रिक्शे वाला इसने बोला है कि भाई 5 मिनट दूर है यहाँ से घर वहाँ पे लेके जाऊंगा अब पता नहीं इसको हमने बोला भाई जो मेर भाड़ी थे ब्याह से उखरे नहीं है जाओ लड़की के घर में जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ पे लेके जाओ अब ये लेके जा रहे हैं आप देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं और तुझे क्या लगता है 50-50 या कुछ लग रहा है मुझे कुछ नहीं लगता जब तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं कुछ नहीं ये सुबह मेरे से लड़ रहा था इसने एड्रेस इसी ने लिया हुआ था अहमद उसका घर तो पबना है मैं अहमद मैंने बांग्लादेश में कोई किसी बंदू की शादी खाई नहीं मैं चलूंगा ही चलूंगा अहमद मैं चलूंगा मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं लेके चलूंगा टेंशन ना ले और अभी जिस रास्ते से हम आए उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं सूरज क्या कर रही है वो जो जहाँ पे बस थी वो तो नहीं होगा भाई अभी फिर वापस आए इधर से अभी हम आए थे इधर गए थे हानिया में अभी फिर से ये लेके जा रहा है बोरा 10-10 चक्का लूंगा कॉल करके देखते हैं वो फोन भी नहीं उठा रही बात करा रहे हैं ये भी गलत जा रहे थे मामा की वजह से मामा मुझे कैसे बताए मिस्टेक हो गया से मामा गुरान फिर से वापस जा रहे हैं फिर वापस जा रहे ये भी गलत रास्ता था शुक्र कर कॉल कर गई वो अब हम यहाँ पे थे कि यहाँ पे दो शादी हैं इस ग्राम में इस गांव में दो शादियां हम दोनों को चेक करने वाले ओकी बोल से को थे बाड़ी और है मामा आप ही तो बोल से नहीं खाने मेर बाड़ी ओखने तो छेड़ बाड़ी मामा भी तुक्के मार रहा है बस
हिलाल आर बाड़ी जाबो एखन हिलाल मामार बाड़ी सूरज भैया को था मन बहुत ज्यादा एमिरेट्स के बंदे हैं इनको बहुत मन था भाई की शादी अटेंड नहीं करूंगा अपनी भी नहीं करूंगा ऐसा ट्रॉमा हुआ कि अपनी शादी नहीं अपनी तो करेगा बीवी के घर नहीं जाएगा जब इसका रिश्ता देख ले जाएंगे बरगन में वो बोलेगी ना मेरा बाड़ी काठमांडू में है काठमांडू में जगह ना मेरी बाड़ी कहाँ बांसवाड़ी में है बांसवाड़ी से ना पोखरा में ना गुलिस्तान में एटा समा से आएगा ऐसे और अगर आपको बताएं हम सुबह कितने बजे चले थे रात को सोए भी नहीं इस शादी के चक्कर में सुबह हम चले 4 बजे 6 बजे की ट्रेन थी 4 बजे उठे 6 बजे स्टेशन पे पहुंचे 6 बजे से लेके टाइम हो गया है 3 और अब जाके घर पहुंचे हैं ये वाला घर है ये वाला एंड हम शादी के घर पहुंचे भूख लगी है हद से ज़्यादा कुछ खाने को पहले मिल जाए देखो यार ऐसा सीन है कि मैं फर्स्ट ईयर में आया था इसी टाइम पे क्योंकि जनवरी फरवरी में आते तो अभी जाने का टाइम है अभी भी यही मौसम है गर्मी यहाँ पे बहुत है वहाँ हमारे वहाँ पे नहीं है गर्मी इतनी लेकिन यहाँ पे गर्मी काफ़ी है और यहाँ पे अभी शाम को बहुत सुहाना मौसम हो जाता है तो फर्स्ट ईयर में भी मैं भाई क्लीन शेव रहता था तो आज भी मैंने क्लीन शेव की हुई है कि चलो एटलीस्ट एंड के कुछ मोमेंट्स को गुजारने के लिए बंदा आए देखे थोड़ा इस जगह को जज़ब करवा दे बहुत ब्यूटीफुल है यार ये जगह और सुकून वाली जगह है ज़िंदगी में कोई टेंशन ना हो ना फिर ऐसी जगह पे आके बंदा बैठे बहुत मज़ा आता है और अगर आपको ज़िंदगी में टेंशन है ना तो फिर चाहे तुम कितनी भी अच्छी जगह पे जाके बैठ जाओ सुकून नहीं आता एनी हो बस यहाँ से अभी चलते देखते मैं अभी यहाँ से इसी रास्ते से जा रहा हूँ वॉक भी कर रहा हूँ वहाँ से अंदर घुसा था यहाँ से आगे जा रहा हूँ आगे से उधर चला जाऊँगा ऊपर आधा घंटा वॉक करते हैं फिर चलते हैं अभी चल रहा हूँ ये पद्दा के किनारे पे ये जगह इतनी वैसे सेफ नहीं होती है शाम को सूरज डूबने के बाद यहाँ पे आना अच्छा नहीं रहता क्योंकि थोड़े होते हैं अकेली जगह यहाँ पे थोड़े चोर वोर घूमते रहते हैं शाम को और यहाँ पे जंगली जानवर भी वगैरह बड़े होते हैं शाम को इधर वैसे आने भी नहीं देते लेकिन अभी तो सूरज डूबने का टाइम है यहाँ पे भैंसे वगैरह भी हैं बांग्लादेश में मैंने भैंसे बहुत कम देखी वैसे इतने सालों में उस साइड पर इंडिया वैसे वहाँ पर भी मैं गया हूँ वहाँ से बोट वगैरह लेके मैं दोबारा से कभी देख नहीं पाऊँगा शायद से आऊँ या ना आऊँ यहाँ पे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है क्या पता है एक महीने में वापस आना पड़े कि अब तो कोई मसला हो जाए तो अल्लाह ना करे कुछ हो लेकिन एनी हो बहुत ही ब्यूटीफुल दिन गुजरे हैं बांग्लादेश में वैसे और ये जगह स्पेशली बाकी गर्मी तो गर्मी है गर्मी ना होती तो और ज़्यादा मज़ा आता आखिर में ये मेरा सूरज भाई ने पासपोर्ट मेरा पकड़ा हुआ है आज हमारा ऑलमोस्ट आखिरी दिन है नहीं है ना ऐसे ऑफिशियली मैं आज पुलिस स्टेशन में जाके बोल दूंगा भाई साहब हम जा रहे हैं हमारी क्लियरेंस दे दो क्लियरेंस नहीं ग्रीन कार्ड मेरे वहाँ पे जमा कराना है उसी के लिए जा रहे हैं अभी हम देखो ये सारी चाय की वैरायटीज हैं मिर्ची की चाय है नींबू की चाय है माल्टे की चाय है और कौन सी और भी बहुत कुछ है जैसे और एक वो मिर्चियाँ वगैरह अदरक वगैरह सब कुछ दूध की चाय मलाई की चाय इमली की चाय पता नहीं चाय में कौन सी क्या चीज़ है जिधर जाओ चाय किसी के घर जाओ जाओ चाय ये है माल्टा चाय आज आए हुए थे इधर बाजार में मैंने सोचा चलो आखिर आए हुए आज आखिरी चाय होगी यहाँ पे चलो आज चाय वगैरह पी के जाते हैं जहाँ पे पहले चाय वगैरह पीते थे ये चाय बाजार की मेन मार्केट है मस्जिद है मेरे पीछे
अभी ना मेरे जाने को अभी मेरे जाने को ना 3 दिन बच गए, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि कॉलेज जाऊँ और वहाँ पे जाके सबको अल्लाह हाफिज़ करके आ जाऊँ, क्योंकि अब अगले 2 दिन तो मैं जा नहीं पाऊँगा, मेरा इंडिया में एग्ज़ाम भी है, तो उस चक्कर में पहले जाता हूँ कॉलेज वगैरह को, बाय बाय करके आता हूँ अभी।